The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, I am Dr. Paramjeet and you are watching Dr. Education. Kaise hain aap? Main आज आप बात करेंगे एयर कंडीशनिंग की। गर्मी आ गई है, सब लोग एयर कंडीशनर यूज़ कई लोग यूज़ करते हैं और कई लोग सोचते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इससे क्या ख़तरा है, क्या नहीं क्या नहीं। तो आइए समझते हैं इस बात को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखिए एयर कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप एक बंद कमरे से, एक जगह से हीट और मॉइस्चर निकाल रहे हैं, गर्माहट और मॉइस्चर को निकाल रहे हैं। उसके लिए आप कई प्रोसेसेस करते हैं, आप एयर को फिल्टर करते हो, ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब एयर उसके अंदर एसी के अंदर ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, डिसइंफेक्शन और साथ में जो होता है वो है कूलिंग। ऑब्वियसली कूलिंग तो होगा ही। सो ये जो एक प्रोसेस है इससे आप अंदर की एयर जो है डिसइंफेक्ट भी होती है। तो एक क्लोज्ड एरिया के, तो ये अच्छी चीज़ क्यों है, बाहर अगर बहुत ज़्यादा खूंखार गर्मी है तो हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन या ऐसा कोई गर्मी आपके शरीर में ज़्यादा आ गई है, पित्त जिसे कहते हैं भैया, तो ये ज़्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल करना, उसको राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और इसी के साथ इसीलिए एक कूलिंग और सूदिंग टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है क्लोज्ड इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट्स को डिसइंफेक्टेड एक इन्फेक्शन के बगैर एक कूल, एक ठंडी, एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे वो हील हो सके। तो इसलिए सारे हॉस्पिटल्स जो मेजर बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो एयर कंडीशन्स होते हैं क्योंकि वो उसका रिकमेंडेशन है, ठीक है। सो यस, और वो 24 घंटे एयर कंडीशन होते हैं कई बार क्योंकि पूरा टेम्परेचर मैनेजमेंट मैटर, टेम्परेचर मैनेज होता है। तो एयर कंडीशनिंग अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर कंडीशनिंग चाहे जितनी भी लंबी हो उसका मेजर कोई भी हेल्थ इफेक्ट, डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट नहीं है। एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन नंबर वन, जब आप एयर कंडीशन में ज़्यादा देर तक रहते हो, ज़्यादा देर तक रहते हो तो ऑब्वियसली वो मॉइस्चर निकाल रहे हैं एयर से, हीट निकाल रहे हैं। सो वो मॉइस्चर निकालने के प्रोसेस में आपके शरीर से भी ड्राइनेस, यानी कि मॉइस्चर निकलता है तो ड्राइनेस आनी शुरू हो सकती है, आपका स्किन ड्राई हो सकती है, आपके नेजल म्यूकोसास, आपके मुंह, आपके गला, ये ड्राइनेस हो सकती है। इस ड्राइनेस के वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ सकते हैं बिकॉज ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है वो एलर्जी को अंदर जाने से रोकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन एलर्जिक सब्सटेंसेस को वहीं ट्रैप कर लेता है। तो ड्राइनेस होगी तो वो एलर्जिक सब्सटेंस ज़्यादा अंदर जा सकते हैं तुरंत, ऑल्दो मॉइस्चर कम है तो एलर्जिक सब्सटेंसेस आपके कमरे में कम घूमेंगे, लेकिन आप ड्राई हो, एक मिनट के लिए बाहर गए एलर्जी लेके अच्छू प्रॉब्लम होगी, या फिर कई लोगों को ठंड से ही एलर्जी होती है जैसी एसी में अच्छू प्रॉब्लम होगी। सो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस आपको स्किन में और नोज में, माउथ में हो सकते हैं। उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम होती है इसमें एसीज में वो होती है अगर आपने प्रॉपरली उसे मेंटेन नहीं रखा, अगर उसकी रेगुलर क्लीनिंग हर साल में, उसकी सर्विस हर बार क्लीनिंग नहीं रखी, उसकी जो कूलिंग टावर है खासकर उसकी क्लीनिंग नहीं करी, तो उसमें फिर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया लेंजियोनेयर्स डिजीज जिसे कहते हैं, लेंजियोनेयरे निमोनिया, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, खतरनाक खतरनाक वर्ड होते हैं, हर जगह अलग टाइप से बोला जाता है, मेडिकल लैंग्वेज बहुत जोरदार है, इटालियन पता नहीं कहाँ से, इटली जर्मनी से ईजाद की गई लाइन है, तो लेंजियोनेयर्स डिजीज जिसे कहते हैं, राइट, वो हो सकती है। वो क्या होते हैं, वो एक बैक्टीरिया होते हैं, वो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कूलिंग टावर में पनप सकते हैं। तो अगर आप कूलिंग टावर सही से साफ नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर वो आ सकते हैं, आपकी सांस की नली में जा सकते हैं और खतरनाक निमोनिया पैदा कर सकते हैं। वो उसी केस में होता है अगर आप सही तरीके से सफाई नहीं करते, और अगर आपकी सफाई सही तरीके से नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो जब फिल्टर करके डिसइंफेक्ट कर रही है और उसी में इन्फेक्शन भरा है तो वो डिसइंफेक्ट क्या करेगी। सो दैट्स वाई रेगुलर क्लीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग टावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये सोचना है कि जब भी आप एयर कंडीशनिंग से एकदम से बाहर जाते हैं तो इमीजिएट ट्रांजैक्शन में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा जल्दी ना हो। अगर आप बाहर जाने वाले हैं, आपको पता है बच्चा बाहर जाने वाला है, तो वो टेम्परेचर स्लोली चेंज हो, एयर कंडीशनिंग बंद कर दीजिए आधा घंटा एक घंटा पहले, वो आधा घंटे में आपका बॉडी टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर से स्लोली
अडेप्ट कर लेगा और फिर आप बाहर जाइए, वरना एकदम से जब आप हीट से इस तरह से सडन एक्सपोजर करेंगे तो आपको हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, आपको हीट से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए यही चीज़ गाड़ी में भी कही जाती है, गाड़ी का भी टेम्परेचर चिल्ड मत करो, उसको एक कूलिंग सूदिंग टेम्परेचर पर रखो। ये बात चीज़ें बस, और कुछ ज़्यादा खतरनाक इसमें जानकारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, मर जाओगे ये हो जाएगा, एयर कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हाँ इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर, ये लेयर, वो लेयर, पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, बिल्कुल गर्म हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका मेन कारण है आपका जो गाड़ियाँ चलती हैं, आपकी जो झाड़ काटे जाते हैं, और फिर ये आता है आपका एयर कंडीशनर्स बिल्कुल आते हैं। और जी हाँ, उसके लिए जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करिए, बिजली बचती है, और अगर टेम्परेचर सही है तो मत इस्तेमाल करिए, कूलर्स को यूज़ कर रहा है तो कूलर्स यूज़ करिए, फ़ैन यूज़ कर, फैन यूज़ करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, नहाइए ज़्यादा, दो बार दिन बाहर स्विमिंग कर लीजिए, बहुत सारी टेक्निक है आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो आपके हेल्थ को कोई खतरा नहीं है इससे ज़्यादा। तो यही बात एयर कंडीशनर की। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डूड गिव मी अ बिग थम्स अप और लाइक करके शेयर कर देना ये वीडियो जरूर भाई। ये गर्मी का मौसम है, इस समय ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए अर्जेंट बेसन में तड़के फटाफट पका के ये आपके सामने डिश पेश है, शेयर कर देना मत भूलना। डॉक्टर परमजीत हियर, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।